कोरोना की वैक्सीन आने पर बच्चों को नहीं दी जाएगी। भारत में वैक्सीन के लिए बनी वैक्सीन एक्सपर्ट कमेटी के अध्यक्ष और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने ये बात साफ कर दी है। उन्होंने कहा कि अभी वैक्सीन देने की आवश्यकता नहीं है और ट्रायल भी नहीं हुए है। केंद्र सरकार ने वैक्सीन आने पर किसे और कैसे दी जाएगी इसका प्लान पहले ही साफ कर दिया है। इसमें पहले हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग और ऐसे लोग जिनकी उम्र 50 साल से कम है लेकिन उन्हें गंभीर बीमारी है वो लोग शामिल है। इसमें कहीं भी बच्चे को देने का जिक्र नहीं है, इसलिए ये सवाल था कि आखिर बच्चों को वैक्सीन कब मिलेगी। इसके जवाब में साफ कहा गया है कि ना तो अभी जरूरत है और ना ही अभी 18 साल से नीचे कोई ट्रायल हुए है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने कहा, अभी तक जो गाइडलाइंस बनी है इंटरनेशनल बनी है, उसमें बच्चों को ये वैक्सीन देने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई है। वैसे भी वैक्सीन का ट्रायल 18 साल से ऊपर के लोगों पर ही हुआ है, धीरे धीरे उनके नीचे ग्रुप को करना है, तो अब तक उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर बच्चों के टीकाकरण पर विचार करने का कोई कारण नहीं है। अभी तक ना सिर्फ भारत बल्कि उपलब्ध जानकारी के मुताबिक किसी भी देश में वैक्सीन ट्रायल में 18 साल से ऊपर के वॉलंटियर नहीं लिए गए हैं। अभी तक कहीं भी बच्चों खासकर छोटे या 16 साल से नीचे के बच्चों पर ट्रायल नहीं हुआ है। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।